वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी को देख लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी जो है एक रेशो होती है जो कि हमें बताती है कि हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है किसी बॉडी के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अगर उसमें चेंज आ रहा हो पर यूनिट टाइम के लिहाज से तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, और इसके ये जो यूनिट्स होते हैं ऐसे यूनिट्स वो मीटर्स पर सेकेंड होते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है। उससे पहले एक छोटा सा चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास जो इससे रिलेटेड है वो है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा है कि हमने रेजिस्टेंस का वर्ड हमने पहले भी सुना है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिशन होती है, यानी कि किसी चीज को अपोज करना, रोकना हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब एयर क्योंकि हमें पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी है, हवा जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी है, तो उसके अंदर भी जो है रेजिस्टेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एयर रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम कैसे फील कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप रन कर रहे हैं यानी कि भाग रहे हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि जब आप आगे की तरफ भाग रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक हवा जो है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हवा एग्जिस्ट कर रही है, वो आपको रोक रही होती है, मतलब कि उसको वो आपकी मोशन को जो है वो अपोज कर रही होती है। ठीक, वो जो आप एक फील करते हैं एक रेजिस्टेंस मोशन में, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एयर रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये एयर रेजिस्टेंस जो है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर जिस पे एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो हमारे पास है स्पीड, यानी कि अगर हमारे पास स्पीड जो है किसी बॉडी की ज्यादा होगी, यानी कि कोई बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, एयर रेजिस्टेंस के लिए मैंने एयर और आर लिख दिया, कैपिटल आर फॉर रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही है वो भी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई बॉडी स्लो मोशन से मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमारे पास साइज पे भी ये डिपेंड करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर बड़ा है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा एक्ट करेगी, यानी कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट करेगी एज कम्पेयर टू कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है जिसका साइज जो है वो बड़ा है हमारे पास। फिर जो थर्ड चीज है जिसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, एयर की डेंसिटी। ठीक है, एयर की डेंसिटी से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एयर डेंसिटी अगर हमारे पास ज्यादा होगी तो इवेंचुअली हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगी। अब अगर हम देखें हमारे पास जो अर्थ है उसके अराउंड एक हवा का जो है वो हमारे पास क्या है, एक हवा का समंदर है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एयर की जो सराउंडिंग है उस पर बहुत ज्यादा हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं उनकी जो मिकदार है यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो कम होती जाती है, और फिर एक खास पॉइंट तक जो है वो स्पेस आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि वो वैक्यूम है, वहां कोई हवा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब कि अर्थ की जो सराउंडिंग में वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो इस वजह से वहां जो है वो ज्यादा अपोज करेंगे कि उसके उनके दरमियान में से कोई ऑब्जेक्ट गुजर के जाए, क्योंकि हमें बताएं कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से ही रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जहां मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां हमारे पास जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर लाए करेंगे वहां जो है वो हमारे पास जो है उनके अंदर रेजिस्टेंस भी कम होगी। और डेंसिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, किसी बॉडी का मास यानी कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा होंगे तो वहां हमारे पास डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये तो बेसिक हमने तीन फैक्टर्स देखे हैं स्टूडेंट्स जिस पे एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब ये इन्हीं चीजों को अपने माइंड में रख के हम टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी में जो हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ जाती है, हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पेपर का मैं पीस लूंगी, ये मेरे पास एक पेपर है स्टूडेंट्स जिसको मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया है, यानी कि ये मेरे पास एक पेपर था और इसको मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे स्टेट ऑफ रेस्ट पे रखा है, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। ठीक, अब यहाँ क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज कराऊंगी यानी कि इसको यहाँ से छोड़ूंगी तो ये जो है डाउनवर्ड मोशन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब इसका जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो हम जानते हैं कि वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और उसको मैंने कैपिटल W से डिनोट कर दिया।
अब जैसे ही ये हवा के अंदर मूव करेगा, यानी कि अपनी मोशन शो करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पर आके मैं इस पॉइंट पे इसकी जो है वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे मैंने जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू देखी वो वी वन थी, ठीक है, और वो इंक्रीज हो रही थी. जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि यहाँ से इसने यहाँ से मतलब कि फौरन से ये नीचे आने की कोशिश की है इसने, तो इसकी वेलोसिटी में क्या आया, इंक्रीज आया, ठीक है. अब इसके इसकी ओपोजिशन यानी कि इसको जो अपोज करने वाली फोर्स है जिसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, वो भी इस पे एक्ट कर रही होगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी वेट के, ठीक है. अब जैसे जैसे इस केस में हमारे पास जो वेट है यानी कि वेट जो है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर है एयर रेजिस्टेंस के मुकाबले में. अब ये क्यों ग्रेटर है, क्योंकि हमें पता है कि इसका वजन जो है और एयर रेजिस्टेंस जो है उस पर कम एक्ट कर रही है, जबकि वजन जो है इसका ज्यादा है, और ये जो है इस वजह से ये डाउनवर्ड मोशन भी कर रहा है, ठीक. फिर उसके बाद हमारे पास अब जब ये अगली पोजीशन पे मैंने फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में मैंने पेपर को देखा और मैंने टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो मैंने ये देखा कि इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी यानी कि वी टू की वैल्यू थी वो क्या आई, यानी कि वी टू की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर आई वी वन की वैल्यू के, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया. वेलोसिटी में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया. अब अगर हम देखें जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास स्पीड इंक्रीज करने से एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. स्टूडेंट्स जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एक वो पॉइंट आ जाएगा जबकि वेट और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. यानी कि हमें पता है कि वेट तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो तो एक पेपर का जो वेट है वो तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होती है स्पीड के लिहाज से. जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो एक पॉइंट वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट जिसके ऊपर वेट जो है वो रेजिस्टेंस के एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ गया. अब उस पॉइंट के बाद जो है उस पॉइंट के बाद जो मैंने इस पेपर की वेलोसिटी डिफरेंट टाइम्स में कैलकुलेट की, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स पे कैलकुलेट की, तो V3 की जो वैल्यू जो मेरे पास आई, V3 की वैल्यू जो मेरे पास आई वो क्या आई, वो मेरे पास V2 के बराबर आ गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होना जो है वो बंद हो गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होना क्या हो गया, बंद हो गया. V3 जो है वो V2 के बराबर आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी जो है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेट के बराबर है, ठीक. फिर अगला पॉइंट अगर मैंने एक और पॉइंट पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास T4 पे अगर मैं देखूँ, तो 4 सेकेंड पे भी उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो V3 के बराबर आ गई और V2 के बराबर आ गई, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज आना बंद हो गया जैसे ही एयर वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर आएगी. तो ये जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर हमारे पास वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए और वेलोसिटी में इंक्रीज आना बंद हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है. और ये है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो वेट के बराबर आ जाए, तो हमारे पास जो है उसमें वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है. यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो हर हर पॉइंट पे जब उसका वेट रेजिस्टेंस के बराबर है, तो हर हर पॉइंट पे जो है वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको, ठीक. तो ये है बेसिकली स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी. और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो हमें पता है कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक. अब अगर हम देखें तो इस चीज को हम ग्राफिकली भी इस तरह से देख सकते थे, या इस तरह से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको शो कराती हूँ कि हमारे पास अगर ये मैं ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और टाइम वर्सेस वेलोसिटी का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ठीक है. अब टाइम जो है वो हमने देखा डिफरेंट 0, 1, 2 और 3 और 4 सेकेंड्स पे अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू थी यानी कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू वी वन थी, ठीक है, यानी कि यहाँ वी वन थी, और फिर उसके बाद टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरे पास वी टू वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि यहाँ मेरे पास वी टू वेलोसिटी आई,
ठीक है, और ये मेरे पास जो वी है ये मीटर्स पर सेकंड में मैं इसे कैलकुलेट कर रही हूँ वेलोसिटी को, और उसके बाद वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट रहना शुरू होगी, यानी कि उसकी वैल्यू में इंक्रीज आना जो है वो बंद हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ आके रुक गई है। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट पॉइंट जिसके ऊपर उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे वो हमारे पास क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो ये स्टूडेंट है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने पढ़ा है।